नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। कहा जाता है कि राहुल गांधी की पप्पू इमेज के पीछे हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। नहीं तो ये कैसे हो सकता है कि हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आने वाले इंसान को कोई पप्पू बोले। वो बोलते कुछ थे, दिखाया किसी और तरीके से जाता था। एक वीडियो हम सबको याद होगा जब राहुल गांधी बोल रहे थे कि आलू में से सोना कैसे निकाला जाता है, जिसके बाद ये वीडियो आग की तरह वायरल हुआ। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। लेकिन सच ये है कि ये वीडियो राहुल की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की थी, जिसे राहुल गांधी कोट कर रहे थे। लेकिन इस सच को शायद ही किसी ने दिखाया हो, क्योंकि आफ्टर ऑल हजारों करोड़ रुपए के ऐड के बाद कोई इसे कैसे दिखा सकता था। खैर, इन सबके बावजूद राहुल गांधी ने बीते साल भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। इस यात्रा में राहुल गांधी ने लगभग 11,000 किलोमीटर कवर किया और एक तरह से पूरे देश की खाक छानी। इस यात्रा के बाद राहुल गांधी ने इस मिथक को भी तोड़ दिया कि वो लोगों के बीच के नेता नहीं, क्योंकि पहली बार कोई नेता शायद इतना चल रहा था। राहुल ने यात्रा के दौरान कई बार पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब, मजदूर और कामगारों से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर राहुल आम लोगों के बीच नजर आए। राहुल को दिल्ली के GTB नगर में रेड़ी पटरी वाले दिहाड़ी मजदूरों से मिलते हुए देखा गया। राहुल गांधी ने मजदूरों से किंग्सवे कैंप के लेबर चौक पर मुलाकात की। सोशल मीडिया पर कई वीडियोज राहुल के मजदूरों के साथ सर्कुलेट हो रही हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी मजदूरों के बीच में बैठे, वो भी जमीन पर। इस मुलाकात की कुछ तस्वीरों को राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट भी किया है और कैप्शन में लिखा है, हाथ से काम करने वालों को आज हिंदुस्तान में कोई इज्जत नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा था। आज GTB नगर में काम की तलाश में रोज खड़े रहने वाले मजदूरों से मिलकर ये बात पुख्ता हो गई है। महंगाई की मार में मामूली सी दिहाड़ी पर गुजारा और उसकी भी गारंटी नहीं है। हिंदुस्तान के मजदूरों को, हाथ से काम करने वालों को उनका पूरा हक दिलाना है, सम्मान दिलाना है, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। राहुल गांधी अक्सर आम लोगों से मुलाकात करते हुए देखे जाते हैं। खबर है कि राहुल गांधी कल हाथरस भी जा सकते हैं पीड़ितों से मुलाकात करने। आपको बता दें कि एक सत्संग के आयोजन में मचे भगदड़ में 122 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने कल हाथरस जाने का फैसला लिया है। धन्यवाद।